सम्मानित भी कोचिंग संस्थान द्वारा किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे घर के लोगों को, किसको इस श्रेय देना चाहते हैं? श्रेय हम अपने माता पिता समान मौसी मौसा को देना चाहेंगे और अपने भैया को देना चाहेंगे और कोचिंग संस्था के जितने भी टीचर हैं उन सबको देना चाहेंगे। आगे क्या कुछ लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। क्या चीज़ का तैयारी आप करिएगा इसके बाद मैट्रिक एग्जाम? साइंस। साइंस लेना है। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमार। कितना प्राप्त किए हैं? 445। कहाँ के रहने वाले हैं? मामतुल पता है। और वहाँ पढ़ाई कहाँ से कर रहे थे अभी? लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन मीरापुर नेवरा चौक। अच्छा, इसमें कौन सहयोग किन लोगों का रहा आपको पढ़ाने लिखाने? सीमा कुमारी, संतोष कुमार, शीला देवी, मनोज कुमार, शिवशंकर भैया, सबके सहयोग से। हाँ, इन्हीं सबके सहयोग से हम इतना। कहाँ रह कर आप पढ़ाई करते थे? हम अपने नानी के यहाँ रह कर पढ़ाई करते थे, मीनापुर नेवरा मुस्तफापुर। आप बचपन से कहाँ रह रहे थे? बचपन से हम मामा को पता है, यानी अपने मौसी के घर रहते थे। मौसा मौसी के अहम भूमिका। हाँ, उन्हीं के निगरानी में। बेसिक शिक्षा आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? मौसी के घर से। मौसी के घर से। और यही सब बच्चों से कहना चाहेंगे, अपना पढ़ाई में मन लगाए, मेहनत करे ताकि उसे भी अच्छा कर सके। कितना खुश है? बहुत खुश है। बहुत पहला बच्चा है आपके घर में जो इतना अंक प्राप्त किया है। हाँ जी, पहला। हाँ, इससे भी पहले है जो ये भी कर रखा था, इसका बड़ा भाई है, पर अभी के समय में सबसे ज्यादा अंक ये लाए है। क्या किस तरह इसको पढ़ाते लिखाते थे आप लोग? अच्छा से। अच्छा से तैयारी करवाते थे, ध्यान देते थे? जी बहुत, इसीलिए बचपन से रखे थे और पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जब एग्जाम आया तो एक साल पहले हम इसको नानी के यहाँ छोड़ दिए तैयारी करने के लिए, पढ़ाई लिखाई मन से। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमार। आप मौसी भी? जी मौसी। और ला के सही किए, हम लोग बहुत खुश है। खुश है बहुत ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते थे? हाँ, हम लोग ध्यान देते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे कि पढ़ो, अच्छा से मन लगा के पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, गांव के नाम रोशन करो, मौसा मौसी के नाम रोशन करो। यही से पढ़ते थे? हाँ, यही से पढ़ते। गांव में सबसे ज्यादा अंक? हाँ, गांव में सबसे ज्यादा अंक लाए। आप मौसी हुए? हाँ, हम मौसी हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शीला कुमारी। ध्यान इस तरह है कि अच्छे कम से कम 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा पढ़ाई करे और मेहनत लगन से पढ़ाई की है। करती थी पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई करती थी, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। स्कूल टॉपर है। स्कूल टॉपर है। स्कूल टॉपर है। खूब खुश होंगे आप लोग? हाँ, खुश है। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार नाम हुआ। आप कौन हुए? मौसा हुए उनके पिता तुल्य। किस तरह आपको खुशी मिल रहा है, आगे क्या इसको बनाने का सपना है आप लोग? मुझे इस बात से बहुत प्रशंसा है कि मेरी बहन ने इतना अंक प्राप्त किया है मैट्रिक के एग्जाम में, और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के ये एक डॉक्टर बने, उसके लिए ये साइंस की पढ़ाई करेगी और मैं इसमें पूरा सहयोग करूँगा। देख रेख करेंगे? पूरा मैं देख रेख करूँगा, मेरे ही लीडरशिप के अंदर वो रहेगी। कितना खुशी है? मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि वो इतना मार्क्स प्राप्त किए। आगे पढ़ाना है। गांव में तो इतना कोई मार्क लाया है इतने? नहीं, गांव भर में सबसे ज़्यादा यही लाई है। कहाँ हुआ आपका गाँव? यही मोहम्मदपुर बताई में रहते हैं, लेकिन हम मुजफ्फरपुर के पढ़ाई करते हैं। जी का पढ़ाई कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, और साथ ही साथ मैं टीचिंग करता हूँ। हाँ, और इसके अलावा मैंने भी अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है। 2017 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद इंटर का 2019 में, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, और अभी वर्तमान में मैं पीजी कर रहा हूँ। आप ही के देख रेख में आपके बहन? हाँ, मेरे ही देख रेख में मेरे बहन ने इतना मार्क्स प्राप्त किया है। आपको हमेशा मतलब ध्यान देते थे और सब परिवार मिलके सब लोग इसको ध्यान देते थे, यही कारण है कि आज इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त की है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवशंकर नाम हुआ। आपको दिखाता है सच का आईना।